करने क्या वाले आज के अंदर अपन, जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर को इंटीग्रेट करने वाले हैं जो कि होने वाला है जब भी अपनी एप्लीकेशन के अंदर चेंज होगा तो एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो जाए विच मीन्स अगर ड्राइवर की लोकेशन चेंज होती है मतलब जैसे मैं ड्राइवर हूं मैं मेरी लोकेशन को चेंज करता हूँ तो फिर मेरे को यूआई को अपडेट करना है या जब भी यूवाई को मेरे को रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी चाहिए फंक्शन चाहिए वो अपन यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं ठीक है तो बिना टाइम को वेस्ट किए फटाफट से मैं कोड में आता हूँ और जो डेवलपमेंट है उसको शुरू करता हूँ उससे पहले अपन यहाँ, यहाँ पे क्या करने वाले हैं यहाँ पे दो काम अपन करने वाले हैं पहले पहले तो अपन जो यहाँ पे जो ये को रिटर्न कर रहे हैं इसको यहाँ से कट करेंगे और इसको डायरेक्टली यहां से माई ऐप में से भेजेंगे ठीक है तो इसके लिए अपन आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे जो कि रहेगा चाइल्ड एंड चाइल्ड के अंदर अपन इसको भेजेंगे यहाँ पे और इसको रिसीव करने के लिए अपन यहाँ पे एक फाइनल विजिट बना देंगे विजिट जो अपना वेरिएबल उसका नाम रहेगा तो इसका नाम रख देंगे चाइल्ड ठीक है और यहाँ पे माई ऐप का कंस्ट्रक्टर बना देंगे माई ऐप माई ऐप और माई ऐप के कंस्ट्रक्टर में क्या करेंगे अपन इसको एज ए नेम्ड आर्ग्यूमेंट ले लेंगे तो दिस डॉट चाइल्ड ठीक है ये अपना काम हो गया ठीक है और यहाँ पे इसको नलेबल भी अपन ने बना दिया क्योंकि वाई डिफॉल्ट ऑब्बियस चीज है जो चाइल्ड की वैल्यू है वो नल रहेगी और जो फ्लटर का जो लेटेस्ट वर्जन है वो नल सेफ्टी को सपोर्ट करता है अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्ग लगाया ठीक है और ये टाइटल जो है अपना ये कांस्टेंट रहने वाला था तो अपने यहाँ पे काउंस लगा देते हैं इसके आगे तो यहाँ पे कॉन्स लगा देते हैं और यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है और अब देखो यहाँ पे करने के वाले हैं अपन अपन यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाले हैं स्टेट के अंदर जो माई स्टेट ऐप उसके अंदर जो कि एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेगा तो यहाँ पे अपन इसका नाम रख देते हैं रिस्टार्ट रिस्टार्ट ऐप ठीक है ये करेगा क्या बेसिकली सबसे पहले पहले सेट स्टेट करेगा मतलब जब भी अपने को पता है जब भी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज करना होता है तो सेट स्टेट को कॉल करते हैं तो जैसे स्टेट स्टेट के अंदर कोई वेरिएबल चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली पूरी यूवाई यूआई को रिफ्रेश हो जाता है ठीक है यही होता है ना स्टेट फुल विजिट के अंदर सो यही चीज अपन यहाँ पे कर रहे हैं रिस्टार्ट नमक फंक्शन बनाया जो सेट स्टेट को कॉल करेगा अब जैसे सेट स्टेट कॉल होगी उसमें वेरिएबल चेंज होगा तो इसका मतलब अब जहां पे वेरिएबल यूज हो वहां पे यूआई प्री रेंडर हो जाएगी ठीक है इसका मतलब क्या होगा अपने को यहाँ पे कुछ ऐसा मेंटेन करना पड़ेगा जो कि यूनिक हो मेरा कहने का मतलब सी, सिंपल सी बात ही है कि भाई कोई ऐसा वेरिएबल जो इनिशियली जिसकी वैल्यू ए हो या वन हो फिर टू हो जाए थ्री हो जाए फोर हो जाए तो चर्चा जैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो तो यू का क्या वो रिफ्रेश होती रहे ठीक है बस तो की वैल्यू चेंज हो जाए हर बार यूनिक वैल्यू यू आए जिससे कि जो यूआई वो रिफ्रेश होता रहे तो उसके लिए अपने यहाँ पे की को काम में लेते हैं तो पे बनाएंगे और यहाँ पे की बनाएंगे तो की नाम से अपने पास यहाँ पे पहले से क्लास होती है तो की और बाय डिफॉल्ट इसके अंदर अपन रख देंगे यूनिक की ठीक है तो यूनिक किसे से क्या होगा इसमें डिफरेंट और यूनिक की आ जाएगी और तो जैसे सेट स्टेट कॉल होगा तो इसका मतलब पहले मेरे पास सपोज करते यूनिक की से वन आया की के अंदर अब मैंने सेट स्टेट कॉल किया तो अगेन्स इसके अंदर तो कोई यूनिक वैल्यू आनी चाहिए तो अगेन यहाँ पे अपन क्या करेंगे की के अंदर कोई यूनिक की ला डाल देंगे तो ये रैंडमली लेके आएगा अपना इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं है रैंडमली अपने पास ये जो की है ये लेके आएगा ठीक है तो यूनिक की अपन ने कर दिया अब यहाँ पे आते हैं यूआई के लिए तो देखो यूआई के लिए जो अपने को यहाँ से यूआई मिल रही है ना अपन माई एप से डायरेक्ट भेज रहे हैं अभी ठीक है एज एन कंस्ट्रक्टर आर्ग्यूमेंट ही चाइल्ड नाम के एट्रीब्यूट के अंदर तो वो अपने को चाहिए और उसी को अपने को रिटर्न करना है तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं और देखो इसमें एक और चीज क्या है कि ये जो है ना ये यू जो है ये इसको मिल रही है ऊपर जो माई एप मिल रही है नीचे वाली क्लास को नहीं मिल रही तो इसको देखो एक्सेस अपन कैसे करने वाला है इसके लिए अपने पास यहाँ पे एक क्लास होती है कीज 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 की तो इसके अंदर सबसे पहले पहले मुझे चाइल्ड देना पड़ेगा ठीक है तो चाइल्ड का मतलब क्या होगा कौन सी वैल्यू है वो देनी पड़ेगी तो उसके लिए मैं यहाँ पे विजिट डॉट चाइल्ड को कॉल कर दूंगा ये रहा ठीक है जो विजिट है ना अब जो मतलब इसका कहने का मतलब है होता कि जो भी विजिट इसको पास हो रहा है उसमें से चाइल्ड नाम का कोई वेरिएबल होगा वो तो यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ इस वेरिएबल का नाम अगर मैं चाइल्ड वन कर दूंगा ना फिर तो मुझे यहाँ पे चाइल्ड वन लिखना पड़ेगा ठीक है तो बात आपको ध्यान रखने की जो चाइल्ड है इस वेरिएबल का नाम है ठीक है मैं इसको वापस सही कर देता हूँ चाइल्ड वन और यहाँ पे अपन लगा देते हैं सेमीकोलन और उसके अलावा अपने यहाँ पे की भी देंगे ठीक है तो अपने यहाँ पे की भी पास करेंगे ताकि हर बार जो यूआई वो डिफरेंट आए तो उसके लिए अपने पास यहाँ पे भी एक एट्रीब्यूट मिलता है की नाम से तो उसके अंदर अपनी जो की है उसको पास कर देंगे ठीक है ओके okay, तो मैं कोड को फॉर्मेट करता हूँ सबसे पहले पहले उसके लिए राइट क्लिक करूंगा मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे शिफ्ट ऑल्ट एफ इसका शॉर्टकट होता है ठीक है और यहाँ पे आई थिंक कुछ एरर आ रही है अभी यहाँ पे एरर आ रही है इसको देखते हैं उससे पहले अपने थोड़ा सा और कोड लिखना है वो भी लिख लेते हैं तो वो क्या है कि अपने को यहाँ पे भी एक एक फंक्शन बनाना पड़ेगा आ, स्ट्रीट फुल अपनी क्लासेस के अंदर तो वो फंक्शन करेगा क्या वो बेसिकली ये जो अपन ने नीचे जो अपन ने फंक्शन बनाया ना रिस्टार्ट का कॉल करेगा क्योंकि अपन बाय डिफॉल्ट माय ऐप का ही एक्सेस रखते हैं आप सभी लोगों को पता होगा अपने पास सिर्फ माय एक्सेस का ही एक्सेस होता है ये जो है ना अंडरस्कोर माय एक्सेस ये तो इसके अंदर ही होती है तो इसकी प्राइवेट क्लास होती है इसको तो इस इस पर्टिकुलर फाइल के बाहर ही नहीं यूज कर सकते तो दट सो एपन यहाँ पे अलग से एक फंक्शन बनाएंगे ठीक है तो इसको कहीं से भी एक्सेस कर सके इसलिए अपन इसका जो टाइप है वो स्टैटिक वर्ड रखेंगे स्टैटिक वर्ड और नाम रख देते हैं इसका रिस्टार्ट ऐप रिस्टार्ट ऐप सेम नाम रख रहे जो पहले था वही नाम दोबारा रख रहे हैं इसमें कोई नया कोई स्पेसिफिक चेंज नहीं है और यहाँ पे इसके अंदर अपने एक पैरामीटर लेंगे कि भैया किस पर्टिकुलर जगह से आप एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो अपने यहाँ पे लिखेंगे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और कॉन्टेक्ट तो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है एड्रेस होता है किस स्क्रीन से आप रिस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो अभी आगे काम में आएगा अभी ऐसा जिसका कोई यूज नहीं है बट रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी अपनी जब भी एप्लीकेशन में कुछ भी चेंज होगा तो अपने आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए अपने यहाँ पे फंक्शन डेवलप कर रहे हैं तो जिस भी स्क्रीन से आगे जाके बहुत सारी स्क्रीन बनेगी तो किसी भी स्क्रीन से अगर मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ तो उसका मेरे को एड्रेस देना पड़ेगा भैया इस पर्टिकुलर स्क्रीन से मैं रिफ्रेश की बात करूं तो यहाँ पे वो स्क्रीन आएगी ठीक है अब इसके बाद देखो अपन क्या करने वाले हैं यहाँ पे अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट की हेल्प से अपन ऐप को रिस्टार्ट करेंगे तो कॉन्टेक्ट डॉट बात पास कि यहाँ पे फंक्शन होता है फाइंड एनसेस्टर स्ट्रीट ऑफ ये वाला इसकी से अपन एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसमें एज एन लिस्ट देना पड़ता है अपने को ये जो नीचे स्टेट क्लास है वो तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अंडरस्कोर स्कोर माई एय और ये लिखने के बाद अब अपन यहाँ पे अपना जो रिस्टार्ट का जो फंक्शन था उसको कॉल कर सकते हैं रिस्टार्ट ऐप को अब अपने यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं अब अगेन यहाँ पे यहाँ पे अपने पास ये जो चाइल्ड है वो नलेबल है तो दैट्स से अपने को यहां पे नल सेफ्टी करनी पड़ेगी ठीक है और अगेन अपने को आई थिंक यहाँ पे आई थिंक प्रीटी मच में सब कुछ कर लिया है कोड को अपन रिफैक्टर करते हैं शिफ्ट ऑल्ट एफ पे शॉर्टकट है ओके okay, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे मेरे को सबसे पहले पहले मैंने देखो यहाँ पे सेमी कॉलन था इसको हटाना हटा के मेरे को सिर्फ कॉमा रखना है ठीक है सबसे पहले पहले तो यार सॉल्व और अब मेरे पास यहाँ पे एक एरर है जो मेरे को बोल रही है द क्लास कीड सब ट्री हैव अननेम्ड कंस्ट्रक्टर ट्राई वंस ऑफ द फॉलोइंग ठीक है सो so स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे इसमें एरर आ रही थी अब वो एरर रिजॉल्व हो चुकी है अभी उस एरर का आ, सर रीज़न है एज सच कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था रीजन बस थोड़ा यही था कि यार फ्लेटर का वर्जन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था वही रीजन था तो मैंने मेरे कंप्यूटर को रिस्टार्ट किया एंड इट्स स्टार्टेड वर्किंग ठीक है समटाइम ऐसा हो जाता है यार कभी कभी कुछ डिपेंडेंसीज नहीं आती है तो वो इशू था बाकी और कोई इशू नहीं है ठीक है इट्स नाउ स्टार्टेड वर्किंग अभी क्या करना है कि जो विजिट डॉट टेस्ट है ना अपनी ये वाली टेस्ट के अंदर इसके अंदर एक दिक्कत है ये जो कॉन्स्टर्ट है यहाँ से इसको हटा देना ठीक है और आई थिंक वी आर गुड टू गो अभी अपने एप्लीकेशन को लॉन्च कर सकते हैं तो मैं यहाँ जाऊंगा रन के अंदर और रन विदाउट डिबकिंग कर दूंगा तो चेंज कुछ ही नहीं होगा जितनी एप्लीकेशन पहले आती थी अभी भी उतनी आएगी और ऐसा ऐस को चेंज तो है नहीं इसमें ठीक है लेकिन एक जो तो चीज मैं बताना चाहूंगा आपको यहाँ पे अपना जो प्राइमरी कलर ना वो दिख नहीं रहा उसके अंदर जो अपनी टॉप बार है उसमें दिख नहीं है रहा है तो इसका देखो रीजन ये है बेसिकली कि अब ना थोड़ा सा यूआई अपग्रेड हो गया है ठीक है अब मतलब थोड़ा सा आ गया इंटरनली चेंजेस आ गए हैं यूआई के अंदर एंड्रॉड 14 के बाद तो अपने को दिख नहीं रहा अगर मैं एंड्रॉइड 13 के ऊपर इसको रन करूं तब ये परफेक्टली चलेगा बट आई हैव है सोल्यूशन फॉर दिस ऑल्सो उसको भी एक बार देखते हैं एक बार एप्लीकेशन लॉन्च हो जाए उसको तो भी देखते हैं ठीक है थीके? तो मैंने डिबक कंसोल को ओपन कर लिया है आप यहाँ पे क्लिक करके डिबक कंसोल को ओपन कर सकते हो ठीक है मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो जो मेरी एपी के है वो बिल्ड हो चुकी है और यहाँ पे मेरी जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो चुकी है सो विजट इंस्पेक्टर भी चालू हो गया एंड एवरी थिंग इज फाइन सब कुछ बढ़िया से दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं जो अपन कर सकते हैं तो वो मैं चेंजेस करने वाला हूँ सबसे पहले पहले मैं क्या करूँगा जैसे मैंने आपको बताया कि अपन इसके अंदर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं इसके अंदर देखो कैसे देने वाले अपन तो जो अपनी यहाँ पे ये जो ऐप बार है ना इस ऐप बार में अपन दे सकते हैं तो ऐप बार में यहाँ पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ बैकग्राउंड कलर तो मुझे मिल जाएगा तो इसके अंदर मैं कलर डॉट ब्लू लिख दूंगा सॉरी कलर्स आएगा अब तो कलर्स डॉट ब्लू तो मैं इस ब्लू कलर को यूज कर सकता हूँ तो अब अगर मैं इसको रीरन करूंगा या रीलोड कर सकता हूँ भी कर सकता हूँ फ्लटर के अंदर दोनों तो चीज तो देखो यहाँ पे जो कलर है वो आ चुका है ठीक है सो दिस दिस इज हाउ वी कैन यूज कलर और अगर आप एंड्रॉइड से मतलब थर्टीन से पुराने हो तो फिर आपको ये वाला कलर एग्जीक्यूट होगा तो दोनों ही चीज आप कर सकते हो इधर ठीक है अभी देखो क्या करने वाला है अभी ठीक है इतना हो गया विच इज फाइन अभी एक काम करते हैं कि मतलब अभी ऐसा जैसा कुछ तो उखाड़ा नहीं है अपन ने मतलब अगर मैं बात करूं अगर ये स्केफोल्ड अगर इसकी बात करिए दिखा दिखाई अपन ने ऐसा कुछ किया नहीं है तो अभी अपन क्या करने वाले एक स्प्लैश स्क्रीन बनाने वाले अभी स्प्लैश स्क्रीन क्या होती है स्प्लैश स्क्रीन का छोटी सी स्क्रीन होती है अपने जो कि कुछ सेकंड्स के लिए आती है ठीक है मतलब जब भी आप किसी ऐप को चालू करते हो तो कुछ सेकंड के लिए आपका स्लैश स्क्रीन दिखती है के बाद वो चली जाती है जिसके स्टार्टर स्क्रीन भी सिंपली अपन बोलते हैं ठीक है जैसे फेसबुक को जब चलाते तो थोड़ी देर के लिए वो एफ लिखा हुआ आता है जो ब्लू कलर सॉरी ब्लू कलर का होता है पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होता है वो स्प्लैश स्क्रीन होता है और इंस्टाग्राम के अंदर जैसे चालू करते हैं इंस्टाग्राम के बीच में लोगो आता है और पीछे कलर आता है तो वो स्प्लैश स्क्रीन है सेम चीज अपन पे बनाने वाला तो इस पे के ऊपर क्लिक करेंगे और लिप्स के अंदर आके अपन यहाँ पे न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे स्प्लैश स्क्रीन ठीक है लेकिन इसका नाम अपन रखेंगे माय स्प्लैश स्क्रीन क्या रखेंगे माय स्प्लैश स्क्रीन माय स्प्लैश स्क्रीन डॉट डार्ट अब इसका माय स्प्लैश स्क्रीन क्यों रखा है देखो स्प्लैश स्क्रीन नाम का जो विजिट है वो फ्लटर में फॉल्ट भी होता है तो उससे कोलाइड ना, ना कर जाएगी कि भाई मैं स्प्लैश स्क्रीन को कॉल कर रहा हूँ वो फ्लटर वाला उठा रहे तो कोलाइड कर सकता है इस वजह से अपन ने इसको नहीं लिया है ठीक है अपन ने इसका थोड़ा सा नाम चेंज किया ठीक है तो देखो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा स्प्लैश स्क्रीन की खास बात क्या होती है दो तीन सेकंड के बाद आगे बढ़ जाती है वो चेंज हो जाती है मतलब दो तीन सेकंड के बाद वो ऑटोमेटिकली दूसरी स्क्रीन बन जाती है तो इसका मतलब चेंज होनी है तो चेंज होनी है का मतलब क्या होगा यहाँ पे स्टेट फुल विजिट बनेगा तो अगर यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टेट फुल विजिट तो सिर्फ एस टी एफ लिखूंगा तो फ्लटर स्टेटफुल विजिट आ रहा है तो इसको मैं एंटर कर दूंगा सिंपल सा ठीक है और यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर्सर सब जगह चल रहा है तो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे इसकी इसी को यूज करूंगा हिंट को यूज करूंगा यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा माई स्लैश स्क्रीन ठीक है वेरी गुड तो मेरे माई स्लैश स्क्रीन करके एक बार के अंदर मेरी जो स्प्लैश स्क्रीन है वो बन चुकी है सो so, अभी इसके अंदर क्या करने वाले हैं एक फंक्शन बनाने वाले है अपन यहाँ पे इसका नाम अपन रख देंगे स्टार्ट टाइमर जो ये करेगा क्या कि भाई टाइमर चलाएगा तीन सेकंड का उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन पे चला जाएगा ठीक है तो इसके अंदर स्टार्ट टाइमर नाम से अपन ने फंक्शन बना दिया है रिटर्न टाइप इसका अवॉइड हो जाएगा ठीक है इसका रिटर्न टाइप हो गया है स्टार्ट टाइमर ठीक है देन इसके बाद इसमें क्या करने वाला है अपन इसके अंदर अगेन टाइमर को यूज करेंगे इधर ठीक है टाइमर तो जैसे मैं आप टाइमर टैप करूंगा तो मेरे को सेकंड वाला टाइमर लेना है इसके बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो सबसे पहले पहले मुझसे ड्यूरेशन मांग रहा है ड्यूरेशन के बाद ये मेरे से एक अनोनिमस फंक्शन मांग रहा है ठीक है जिसका नाम नहीं होता है ठीक है तो ड्यूरेशन के अंदर अपन यहाँ पे ड्यूरेशन कई तरीके से दे सकते हैं तो मैं दूंगा यहाँ पे सेकंड्स के अंदर तो यहाँ पे अगर मैं ड्यूरेशन में आऊँ तो यहाँ पे मैं ड्यूरेशन दूंगा तो यहाँ पे ड्यूरेशन लिखूंगा और ड्यूरेशन देने के लिए मेरे पास कई तरीके के फंक्शनैटीज अवेलेबल हैं यहाँ पे सेकंड्स में तो मेरे को यहाँ पे पांच सेकंड दे रहे हैं अभी के लिए ठीक है बाद में इसको कम कर लेंगे और ओके okay, अब इसको हटा सकते हैं यहाँ से ठीक है ऐसे इसको इस तरीके से पास करने की जरूरत नहीं अब यहाँ पे आगे अपन क्या करने वाले हैं कि जैसे ये टाइम खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या करना वो अपन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जो फंक्शन है इसको भी एसिंक्रोनसली चलाएंगे तो इसको इसको भी एसिंक्रोनस चलाएंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे अपन टाइमर के बाद सेमी कॉलन लगाएंगे ठीक है इस फंक्शन के अंदर आगे इस फंक्शन की बॉडी लिखेंगे यहाँ पे कॉमा लगा के इसको नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे आने के बाद इसमें लिखने वाले अपन बेसिकली लिखने के वाले एक नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाने वाले हैं जो कि अपनी मेन स्क्रीन रहने वाली है तो अपन यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं लिप्स के अंदर तो यहाँ पे इस आइकन के ऊपर क्लिक करके मैं फोल्डर बनाऊंगा इसका नाम रख दूंगा मेन स्क्रीन ठीक है मेन स्क्रीन और यहाँ पे क्लिक करके एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रख दूंगा अभी के लिए मेन स्क्रीन डॉट डॉट ठीक है तो मेन स्क्रीन डॉट डॉट अभी के लिए इसके अंदर चलो एक स्टेटफुल फुल विजिट बना लेते हैं फ्लटर स्टेटफुल और इसका नाम भी अपन रख देंगे मेन स्क्रीन ठीक है प्रति मच ये ठीक है और इसके अंदर रिटर्न क्या करेंगे इसके अंदर एक स्केफोल्ड रिटर्न कर देंगे जिसके अंदर एक ऐप बार डाल देंगे मतलब ऐसे बस दिखाने के लिए भी तो ठीक है तो ऐप बार के अंदर क्या रहेगा सिंपल सा एक टाइटल रहेगा तो उसके लिए अपन टेक्स्ट विजिट को कॉल करेंगे इस टाइटल के अंदर अपन पास करने वाले हैं वेलकम ठीक है बस मेन स्क्रीन में तो ये रखेंगे वापस आते हैं स्प्लैश स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे जैसे टाइम खत्म हो जाएगा तो मेरे को उस स्क्रीन पे जाना है तो यहाँ पे इस स्क्रीन को स्विच करने के लिए अपने यहाँ पे यूज करते हैं नेविगेटर को तो यहाँ पे अपन यूज करेंगे नेविगेट नेविगेटर डॉट पुश भैया इसको आप पुश करो भैया इस जो चेंजेस को पुश करो आप ठीक है इसका कहने का मतलब ये होता है कॉन्टेक्स्ट और राउट के अंदर अपन पास करने वाले हैं इधर मटीरियल पेज राउट ठीक अब देखो मैं सिंपल से बता देता हूँ क्या होता है जब स्क्रीन के बीच में स्विच करना होता है तो जिस तरीके से नेटिव एंड्रॉड में अपने पास इंटेंट होता है स्टार्ट एक्टिविटी होता है उसी तरीके से पे नेविगेटर होता है ठीक है तो ने, नेविगेटर में क्या करता है कि कि पहले तो देना पड़ता है कि किस स्क्रीन से कहा तो मतलब जाओ ठीक है तो नेविगेटर डॉट पुश की भी है आप इसको पुश करो ठीक है उसके बाद ये एड्रेस मांगे कहां से जाना है तो कॉन्टेक्ट पास करती है उसके बाद मटेरियल पेज राउट बना के अपन उस पेज का एक्सन राउट पास करते हैं जब वेब डेवलपमेंट करते हैं तो वहां पे अपने लगाते हैं ना जैसे नीट रूट्स डॉट कॉम के बाद स्लैश प्रोडक्ट्स स्लैश शॉप तो उस तरीके से होते राउट होते हैं पेजेस होते, होते हैं तो फ्लटर के अंदर इसी तरीके से एप्लीकेशन में पेजेस बनते हैं तो अपन उसी का राउट यहाँ पे पास करेंगे ठीक है किस राउट पे जाना है ठीक है तो बिल्डर के अंदर अपन आके राउट पास करेंगे तो यहाँ पे बिल्डर बिल्डर के अंदर मैं कॉन्टेक्स ही पास कर दूंगा ठीक है और यहाँ पे एरो फंक्शन लगा के यहाँ पे मैं मेरी मेन स्क्रीन को कॉल कर सकता हूँ तो मेन स्क्रीन को मैंने कॉल कर दिया ठीक है और यहाँ पे एंड में सेमी कॉलन और सब जगह मैं कॉमा लगा देता हूँ जिससे कि जैसे कोड को फॉर्मेट करूंगा कोड अच्छा दिखने लग जाएगा ठीक है राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ओके यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पे, पे कॉमा होना चाहिए राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट ठीक है अब यहाँ पे कौनस के लिए बोल रहे चलो यहाँ पे कौन और लगा लेते हैं ओके okay, यहाँ पे भी कौन लग जाएगा यहाँ पे मैंने कौंस लगा दिया है और ये एक अननेसेसरी इम्पोर्ट हो गया डाट इसको मैं हटा देता हूँ से ठीक है ओके okay, टाइमर के लिए डाइट डाट ऐसी अच्छी है ठीक है अपन ने डट ऐसा को वापस से रख लिया है नॉट अ बिग डील बट यहाँ पे अंड्रेट बता रहे इसलिए मैंने इसको हटा दिया था ठीक है तो अगर इसके ऊपर क्विक फिक्स में आते हैं तो इसमें कोई क्विक फिक्स है नहीं तो मतलब इसका मतलब ये कि आई डी में थोड़ा सा बग है ठीक है अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं इधर आते हैं और इधर आने के बाद जो होम में अपन ये सब बकवास चीजें कॉल कर रहे थे मेन डॉट डाट के अंदर तो अब इन सब चीज़ों को कॉल करने की जरूरत नहीं है इसको करते हैं कॉमेंट तो इसको मैं कॉमेंट करता हूँ कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश दबा के और यहाँ पे होम के अंदर मैं पास कर दूंगा माई स्प्लैश स्क्रीन का ठीक है तो माई स्प्लैश स्क्रीन ठीक है तो ये मैं कॉल कर सकता हूँ ठीक है और यहाँ पे कुछ कोड में इश्यूज आने शुरू हो गए हैं लेट मी डिबक प्रॉपरली हुआ क्या इधर ठीक है तो मेरा जो होम है वो मेरा यहाँ तक है ओके okay, जो होम है वो यहाँ तक तो इतना कॉमेंट होगा स्केफोल्ड तक उसके बाद मेरे को होम में दोबारा दे सकता हूँ और होम के अंदर मुझे इस बार पास करना है माई स्प्लैश स्क्रीन ठीक है माई स्प्लैश स्क्रीन एज एन फंक्शन कॉल करना है और ये भी यहाँ पे एज एन कॉन्स्ट कॉल हो जाएगा ठीक है तो ये यह भी यहाँ पे एज एन कॉन्स्ट हो जाएगा ठीक है ओके वेटी मच आई थिंक कोड में कोई वार्निंग कहीं कुछ नहीं है सारा कोड एकदम वार्निंग uh, फ्री और सबसे अच्छा कोड है राइट क्लिक करके डॉक्यूमेंट कर फॉर्मेल डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और यहाँ पे भी सब जगह कॉमा लगा लेते हैं और अगेन एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे जैसे कि प्रॉपर मेरा जो प्री है वो बन गया है सब कुछ मेरे को क्लियरली दिख रहा है ठीक है यहाँ पे भी कोई वार्निंग नहीं है कोई येलो साइन नहीं है ठीक है यहाँ पे भी ओके यहाँ पे एक जगह काउंस आ सकता है तो यहाँ पे मैं कौंस लगा दूंगा तो यहाँ पे मैंने कौंस लगा दिया है ठीक है यहाँ पे सब कुछ ठीक अब मैं मेरी एप्लीकेशन को रिलोड करता हूँ उसके लिए मैं यहाँ से इसको साइड बाय साइड करता हूँ और जब अब जैसे मैं एप्लीकेशन को रिलोड करूँगा तो मेरा जो ये है एप्लीकेशन वो नेक्स्ट पेज पे चला जाना चाहिए पहले तो स्प्लैश स्क्रीन आनी चाहिए देन उसके बाद मेरे पेज पर आना चाहिए वेलकम तो यहाँ पे आके रन में जाके रन विदाउट डिविंग करते हैं और थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा अभी तो एप्लीकेशन मेरी लॉन्च हुई और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरीके से क्रॉस आया एक ठीक है

फंक्शन से उन सबको स्टार्ट कर देता है उसको उन सबको इनिट कर देता है ठीक है उनको कॉल करने की नीड नहीं पड़ती है ठीक है तो अब अगर मैं रिलोड करूंगा तो अब तीन सेकंड के बाद मेरा जो एप्लीकेशन है वो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा ओके okay, देखो आ चुका है तीन सेकंड के बाद अभी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो ये प्लेस होल्डर स्क्रीन है तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ठीक है थीके? तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे यहाँ पे आके यहाँ पे अपन कुछ पास करेंगे तो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्या करने वाले अपन एक मटीरियल ऐप को रिटर्न करेंगे ठीक है मटीरियल में आके रिटर्न करेंगे ठीक है और यहाँ पे आते हैं चाइल्ड के अंदर चाइल्ड के अंदर सबसे पहले पहले कंटेनर डालते हैं कंटेनर के अंदर आते हैं कंटेनर के अंदर आने के बाद कंटेनर में चाइल्ड आके मेरे को दो चीज लगानी है ऊपर एक इमेज और उसके नीचे एक टेक्स्ट ठीक है तो उसके लिए मुझे एक सेंटर विजिट लगाना पड़ेगा सबसे पहले क्योंकि कंटेंट मेरे को सेंटर में दिखाना है और सेंटर के अंदर मैं लगाऊंगा कॉलम ठीक है तो कॉलम में मैं आता हूँ और कॉलम में चिल्ड्रन में अपन आते हैं ठीक है तो यहाँ पे आने के बाद मेरे को विजिट्स भेजने हैं ठीक है, है? सबसे पहले पहले मुझे इमेज भेजना है तो एक इमेज और इमेज एसेट्स में से लेनी है ठीक है तो इमेज डॉट एसेट लगा दिया अब मेरे को एसेट इमेज चाहिए तो मैं गूगल पे चलूंगा और यहाँ पे मैं फ्लैट आइकन को यूज करने वाला हूँ फ्लैट आईकॉन काफी टाइम से, से वेबसाइट को अपन यूज करते हुए अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हो तो ठीक है तो यहाँ पे मैं ऊबर लिख दूंगा ये चलो सीधा गूगल पे लिख लेते हैं यार ऊबर इमेजेस में आते हैं या फिर टैक्सी राइड लोग तो यहाँ पे ये जो इमेज दिख रही है मैं इसको डाउनलोड करके इसको यूज करना पसंद करूंगा ठीक है काफी सही लग रही है मेरे को तो ये वाली तो मैं इसमेज को कर लेता हूँ डाउनलोड तो ओपन इमेज न्यू टैप उसके बाद इसमेज को मैं करूंगा डाउनलोड सेव इमेज एज डाउनलोड्स के फोल्डर में और तो इसको वेब इमेज नहीं करना है मुझे ऑल में जाके पी में स्टोर करना है तो यहाँ पे मैं इमेज वन डॉट पी और इमेज वन मेरे पास कोई पहले से इमेज है तो मैं इसका कर लेता हूँ इमेज अंडर स्कोर वन डॉट पी ठीक है तो इमेज मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है तो मैं इसको शो इन फोल्डर कर लेता हूँ एंड इस इमेज को मैं ऐसे कट करूंगा कट करने के साथ ही मैं बी एस कोड में आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद एक नया सबसे पहले पहले डायरेक्टरी बनाऊंगा इधर उसके तो लिए मैं लिप को सेलेक्ट करूंगा बाहर आने के लिए और यहाँ पे मैं एक डायरेक्टर बनाऊंगा बाहर तो मेरे को मतलब मेन ऐप को मेरे को राइडर को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा बाहर या तो बाहर कहीं क्लिक करना पड़ेगा मेरे को एक डायरेक्टर बनानी है मेरे को बाहर इसके यहाँ बाहर क्लिक कर लेते हैं ठीक है बाहर क्लिक कर लिया अब यहाँ पे आने के बाद एक डायरेक्टर बनाते हैं उसका नाम रख देंगे अपन एसेट्स ठीक है एसेट्स रख दी और एसेट्स के अंदर एक और अपन डायरेक्टर बनाएंगे जिसका नाम रख देंगे इमेजेस ठीक है एसेट्स के अंदर इमेजेस और इसके अंदर मैं लाके इसको पेस्ट कर दूंगा इमेज को ठीक है पेस्ट और अब ठीक है ब्राउजर क्लोज कर देता हूँ ये सब क्लोज कर देता हूँ अब आता हूँ मैं मेरे पब स्टॉट येमल के अंदर और यहाँ पे मुझे जितने मेरे एसेट्स हैं ना उनको मेरे को यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा तो यहाँ पे इस एसेट्स के टैग को मैं करता हूँ अनकमेंट और यहाँ पे देखो करने के वाले हैं थोड़ा सा अपने यहाँ पे स्मार्ट तरीका यूज करने वाले हैं ठीक है तो वो स्मार्ट तरीका क्या है कि हर एक इमेज को बार बार नहीं अपना रजिस्टर करना पड़ेगा उसके जैसा अपन कुछ करने वाला तो तो यहाँ पे सीधे सीधे एसेट्स लिखेंगे एसेट्स के बाद इस तरीके से कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगाने के बाद इमेजेस के फोल्डर का नाम लिख देंगे बस इतना ही लिखेंगे अब इसका फायदा क्या होगा कि जितनी भी इमेजेस है ना सारी आ जाएंगी ठीक है अलग अलग इमेज को यहाँ पे डालना नहीं पड़ेगा ठीक है तो ये इसका बड़ा फायदा रहता है तो अपन ने इस तरीके से उसको डाल दिया कि भाई जितनी भी इमेजेस है ना आप सारे ले आओ ठीक है तो अगर मैं कंसोल में आऊं तो मेरे को लाइक इज वर्किंग फाइन फॉर राइट नाउ तो इमेजेस डॉट एसेट्स के आगे अगर एक और इस तरीके से कॉलन लगा दूंगा तो इसका मतलब हो गया कि एसेट्स के अंदर जो फोल्डर है इमेजेस उसके अंदर से सारी की सारी इमेजेस ले आओ ठीक है तो ये हो गया अब आते हैं इधर और इसके अंदर आप अपने एसेट्स का नाम देंगे ठीक है तो यहाँ पे इसका नाम है इमेज इमेज अंडर स्कोर वन डॉट टी एन जी तो मैं एप्लीकेशन को एक बार रिलोड करता हूँ और देखता हूँ मेरी इमेज शो हुई कि नहीं हुई ओके okay, इमेज यहाँ पे है ठीक है मैंने पूरा पार्ट नहीं डालता मैं पूरा पार्ट डाल देता हूँ एसेट स्लैश इमेज स्लैश ठीक है वापस से रिलोड करता हूँ अभी भी सेम इशू आ रहा है सो so, स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं आपको रिलोड करूँ तो ये जो इमेज है वो अब यहाँ पे है लेकिन अभी मिल नहीं रही है ठीक है अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो अभी डिबक कंसोल में अपने पास एरर आएगा भाई ये इमेज मिल नहीं रही उसका रीजन ये कि जो इमेज है ना ये बाहर इस इमेज के फोल्डर के अंदर चाहिए तो इसको मूव करेंगे तो अब ये जो इमेज है एसेट्स के अंदर इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर है ठीक है तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी पहले मैंने एसेट्स के फोल्डर के अंदर इमेजेस का फोल्डर बना दिया इमेज भी उसी में डाल दी तो ये दिक्कत है तो मैंने क्या कर दिया एसेट्स के अंदर इमेजेस है इमेजेस के अंदर फिर ये इमेज है ठीक है अब अगर मैं आपको रिलोड करता हूँ तो अब ये इशू नहीं आना चाहिए एप्लीकेशन को होट रिलोड किया मैंने ओके इट्स टेकिंग बिट ऑफ टाइम तो मैं एक बार काम करता हूँ इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ ठीक है तो मैंने एप्लीकेशन को री लॉन्च किया है अभी इधर जब भी अपन री लॉन्च करता था एक नया इंस्टेंस बनाता था, तो मैंने इसको सेकेंड इंस्टेंस पे इसको स्टार्ट कर लिया ठीक है तो चीज आपको ध्यान रखनी है तब जब जब एप्लीकेशन को वापस अपन अगर रिस्टार्ट करता तो यहाँ पे एक नया नया इंस्टेंस बन जाता है तो वो चेंज करना पड़ता है अगर आपको पुराने इंस्टेंस को क्लोज करना है तो फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा स्टॉप के ऊपर फिर आपको जो पुराना इंस्टेंस था आपका वो क्लोज हो जाएगा जैसे अगर इसके ऊपर मैं माऊँ तो यहाँ पे ये अभी के लिए अभी चल नहीं रहा है ठीक है ये तो क्लोज ही हो गया टोटली तो अभी जो ये मेरी एप्लीकेशन है पुराना वर्जन इंस्टॉल कर रही है मेरी ऐप का और जो अब जो नया वर्जन बनेगा जो नया इंस्टेंस बनेगा उसकी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी तो यहाँ पे पुराना वर्जन इंस्टॉल करने में एरर आ गई तो एक बार वापस से मैं इसको रिलॉन्च करता हूँ तो डेवलपमेंट में छोटे मोटे इश्यूज आते रहते हैं इससे कभी घबराना नहीं है क्योंकि दिस इज इज डेवलपमेंट जब तक इशूज नहीं आएंगे तब तक ऐसा कुछ स्पेसिफिकली होगा नहीं ठीक है अभी एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है और अभी मेरी इमेज आई है वो काफी ऊपर आई है अभी देखो एकदम टॉप पे आई है और अबाउट थ्री सेकंड्स के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आ गया तो इसका सोल्यूशन करते हैं सबसे पहले पहले जो सेंटर है इसका जो अपने को कॉलम का मेन एक्सेस को चेंज करना पड़ेगा तो मेन एक्सेस के अंदर अपनाते हैं तो यहाँ पे मेरे को इसको नीचे में करना पड़ेगा तो यहाँ सेंटर कर देंगे वेलकम टू ऊबर क्लोन बाई नीट रूट ठीक है ये कॉन्स्ट हो सकता है तो इसको अपन कॉन्स्ट कर देंगे और इसके अंदर स्टाइल भी आएगी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी अपन देंगे तो यहाँ पे आते हैं कॉमा लगा और यहाँ पे अपन आएंगे स्टाइल के अंदर स्टाइल के अंदर और यहाँ पे आने के बाद अपन देंगे इसमें टेक्स्ट स्टाइल टेक्सटाइल टेक्सटाइल में आने की बात को क्या देंगे सबसे पहले पहले देंगे इसमें फोन साइज फोन साइज तो फोन साइज में दूंगा ट्वेंटी ठीक है और जो कंटेनर है इस कंटेनर को अपन बैकग्राउंड कलर देंगे तो इसमें देंगे देंगे बैकग्राउंड कलर कलर आते हैं के अंदर इसके अंदर उसके अपन ब्लैक ठीक है तो कलर डॉट ब्लैक और टेक्सट का जो कलर देंगे वो अपन देंगे व्हाइट ठीक है और वेट देंगे इसके अंदर फोन वेट तो फोन वेट देंगे इसके अंदर फोन वेट और इसमें फोन वेट अपन देने वाले हैं फोन वेट बोल्ड ठीक है एप्लीकेशन को रिलॉन्च करते हैं और अभी देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्लास ये आ रहा है और इसे तीन सेकंड के बाद नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर मैं जा रहा सो दिस फॉर आज इस के इस टूटोरियल के अंदर मैंने जितनी पॉसिबल मिस्टेक्स एक बिगनर कर सकता हूँ सारी की सारी करके बता दिया है अब इसके बाहर तो मेरे को लगता नहीं कोई बंदा कोई मिस्टेक कर सकता है तो इससे आगे अपन नेक्स्ट टूटोरियल में कंटिन्यू करेंगे जहां पे अपनी अपनी जो मेन स्क्रीन है मेन डैशबोर्ड स्क्रीन है कुछ को तो बनाने वाले तो तब तक के लिए अपना अपना कमेंट छोड़ देना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी अगर आपके सजेशन है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई एम वेटिंग फॉर दोज योर फीडबैक्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स तो हम उन सबको इन्वॉल्व करेंगे उन सारे सारे फीडबैक्स को जो भी आप बोलोगे और उसके ऊपर वर्क जरूर करेंगे तो चलिए इस मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में तो सो टिल देन टेक केयर बाय बाय